नाज़रीन, राशिद हसन हाजिर है एक नए प्रोग्राम के साथ जिसका उन्वान है कम्युनिटी राउंड अप। इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि मुख्तलिफ शोबा से लोगों को बुलाकर हम ये बताएं कि जो आपको चीज़ चाहिए, जो ज़रूरत है, उसमें इंश्योरेंस होती है, उसमें जो है रियल स्टेट के लोग होते हैं, मॉर्गेज के लोग होते हैं, डे टू डे लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे और उनसे आपको मुफीद मालूमात मिलेंगी कि वो क्या चीज़ें प्रोवाइड करते, क्या चीज़ ज़रूरी है हमारे लिए और क्या चीज़ हमें मिल सकती है मार्केट से। तो हमारे आज के जो पहले मेहमान हैं उनका नाम है राजेंद्र गाड़ी। ये बेसिकली इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि हमारे लिए इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है और इसमें कौन कौन सी ये इंश्योरेंस से डील करते हैं। तो राजेंद्र साहब, वेलकम टू प्रोग्राम कम्युनिटी राउंड अप। हमें ये बताइए कि सबसे पहला जो मैं सवाल करूँगा वो ये है कि लोग थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं हमारी कम्युनिटी साउथ एशियन में कि ऑलरेडी बर्डन बहुत ज़्यादा है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो मॉर्गेज है, कार इंश्योरेंस है या इस तरह की जो घर की इंश्योरेंस होम इंश्योरेंस है उसी में उलझे रहते हैं। तो ये थोड़ा सा उन्हें बर्डन लगता है कि एक एक्स्ट्रा है, थोड़ा घबराते हैं। तो पहले तो हमें ये बताइए कि क्या ये जो है अफोर्डेबल है और हमें रीजनेबल रेट पर मिल सकती है, जितनी जल्दी ली जाए या बाद में देर से ली जाए वो फिर हम बाद में बात करेंगे। तो ये हम जानना चाहते हैं कि इसकी जो अफादियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी क्या कितनी किसकी कॉस्ट होती है, प्रीमियम पर मंथ कितना होता है रफली। फर्स्ट ऑफ ऑल राशिद भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। एंड एज फार एज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट द इंश्योरेंस, अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं समझता हूँ कि इंश्योरेंस इज ए नीड बेस्ड थिंग एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर योर सेल्फ फ्रॉम द अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। सो इंश्योरेंस जो है वो हमको ज़रूरी है अपनी लाइफ में, ताकि हम उसके थ्रू अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों में ये एक मिथ सा है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, जो कि मैं कहूँगा कि इट इज़ नॉट एट ऑल सो। इट इज़ विद इन द रीच ऑफ एवरीबडी, बट इट यू हैव टू डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ एन इंश्योरेंस आर यू लुकिंग फॉर और व्हाट इज योर नीड। एंड इसके लिए हम एक पूरा एनालिसिस करते हैं जिसमें आपका बताते हैं कि आपको कितनी इंश्योरेंस चाहिए और उस बेस पे हम आपको प्रपोजल बना के देते हैं। राइट, तो ये जो लाइफ इंश्योरेंस है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली इज टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट व्हेन समथिंग हैपेंस टू योर लाइफ। तो आपका लाइफस्टाइल जो बना हुआ है, आपकी फैमिली का जो लाइफस्टाइल बना हुआ है वो उससे मेंटेन रहे, दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। कि आज आपने जो पॉलिसी ली वो खुदा ना खास्ता अगर कुछ होता है तो उसका क्लेम आपकी फैमिली को मिल जाता है, ताकि वो आगे की जिंदगी ठीक से चला सके। राइट, तो इसमें और भी इसमें क्रिटिकल इलनेस भी फिर आती है। हाँ, इंश्योरेंस कई तरह की है, जैसे एक टर्म इंश्योरेंस है। टर्म इंश्योरेंस हैज एन एक्सपायरी डेट, ठीक है, इन द सेंस यू बाय इट फॉर 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स, 25 इयर्स, अप टू 35 इयर्स, और सर्टेन कंपनीज आर इवन ऑफरिंग अप टू 40 इयर्स। सो लेकिन उसमें आखिर में पैसा नहीं मिलता, उसमें पैसा नहीं है, यू आर कवर्ड, जब वो खत्म हो जाती है तो वो नहीं। बिल्कुल, तो उसमें बेसिकली उसमें प्रीमियम खासा कम होता है। इट इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस, इट इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस एंड वी आर जस्ट प्रोटेक्टिंग योर लाइफ फ्रॉम द अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। राइट राइट, अच्छा, और दूसरी कौन सी है इसमें? इसी में एक है होल लाइफ इंश्योरेंस। राइट, होल लाइफ एज इट इज साउंड्स फ्रॉम द वर्ड, टिल द टाइम यू आर अलाइव दिस इंश्योरेंस विल कंटिन्यू। राइट, इसमें कोई एंड डेट नहीं है। ठीक, जैसे टर्म में यू ऑलवेज हैव टू स्पेसिफाई द एंड डेट, बट इन होल लाइफ यू डोंट हैव टू। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस इज वेरी आइडियल फॉर द पीपल बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 25 टू 40 इयर्स। ओके, यू पे फॉर 20 इयर्स
there is a policy which is 20 pay. You pay for 20 years and this is the time when a person is making good money, he's settling down and he can take care of those expenses. And after that, you don't have to pay anything until life, you are insured. Yeah, you're covered. Right. अच्छा तो ये मुझे बताइए कि ये तो हम लाइफ की बात करते हैं, इसमें और इसके अलावा ट्रेवल? Well, as far as insurance is a very wide subject. Insurance we have for critical illness, disability, travel insurance, Canadians traveling abroad, people coming from back home or from outside and coming as a visitor, those are the kind of insurances. And आजकल तो even fracture insurance is also available. Oh, I see. Right. Soft tissue insurance is also available. So insurance has become a very wide spread field. Right. अच्छा ये मुझे बताइए कि फर्ज करें I am 60 plus, ठीक है, थोड़े से health issues भी हैं, still मैं ले सकता हूँ, मुझे मिल सकती है insurance? Yes. ठीक. But it will come with some premium. Right. I mean, if the cost may not be the same, what a person or healthy person can get it, if you have some pre-existing condition, you can always get it. Right. It's not that you cannot get it. Right. अच्छा, तो इसके अलावा आप investment advisor भी हैं, तो उस पर भी थोड़ी सी बात हम करते हैं. इसी आजकल you must have heard about mutual funds. What is a mutual fund? These are being offered by the banks mostly. It's a pool of fund invested in various sectors. Because if we individually, if we see that we are investing in equities, we may not be that knowledgeable about a particular sector, about a particular stock, and we might end up losing money. So here are the people who are qualified to become fund managers, and they do the mutual funds. But insurance companies offer even a better form of investment in the form of segregated funds. Now the difference between a mutual fund and a segregated fund would be that वो जब उनके पास mutual fund के सारे benefits of most of the benefits of the, in the segregated funds, but it comes with additional guarantees. Like in a segregated fund, you can have maturity and death guarantee also. Okay. Supposing you have invested $100,000 in a mutual fund, it can remain $60,000, $70,000, or it can go up to $150,000. So whatever is the market value, you will get it at. But in the segregated fund, you can guarantee, I mean the company can guarantee it 100% of your investment is protected. If it goes up, you are the beneficiary. If it goes down, you will get the minimum guarantee. Right. Nazreen, हम गुफ्तगु इस वक्त राज साहब से कर रहे हैं और बड़ी मुफीद मालूमात इनसे हमें मिल रही हैं कि हमारे जो ये खौफ है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता, ऐसा नहीं, जितनी जल्दी आप ले लेंगे बहुत नॉमिनल सा होगा और जवान नौजवान जो हैं नस्ल, उनको चाहिए ख़ास तौर पर इस तरफ तवज्जो करें क्योंकि बाद में फिर चीज़ें ज़रा डिफ़िकल्ट होती जाती हैं. जैसे मैंने इनसे सवाल किया कि अब जो मेरी एज है और उसमें प्रॉब्लम, ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स तो आते हैं 50 के बाद, वैसे तो किसी वक्त भी आ सकते हैं, लेकिन जो रेशियो है वो ज़्यादा होती है. तो अगले सेगमेंट में हम इनसे मज़ीद इसी बारे में बात करेंगे, एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं. दुनिया तुझे खाते मैं प्यार तेरा रखा, मैं चोरी चोरी चोरी, मैं चोरी चोरी तेरे नाल ला लिया खावे, चोरी चोरी तेरे नाल ला लिया
जी नाजिर, आज राउंड अप में हमारी बात राजेंद्र गाड़ी साहब से हो रही है और बड़ी मुफीद हमें मालूमात वो दे रहे हैं कि इंश्योरेंस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और इन्वेस्टमेंट्स भी ज़रूरी हैं। ज़ाहिर है कि जब हमने 65 पे रिटायर होना है तो कुछ हमारे पास मिनिमम से ज़्यादा होना चाहिए, उस वक्त ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो अच्छा, हम बात कर रहे थे ट्रेवल इंश्योरेंस की, तो एक जो आजकल पेरेंट्स आ रहे हैं सुपर वीज़ा, उसका भी आपके पास है? हाँ जी, हाँ जी, वी हैव अ सुपर वीज़ा इंश्योरेंस राइट फॉर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स कमिंग टू विद देयर चिल्ड्रन। एंड उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको 100,000 की इमरजेंसी मेडिकल इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, ठीक है, एंड देन ओनली द वीज़ा इज ग्रांटेड। ठीक है, इट इज कंडीशनल दैट यू हैव एन इंश्योरेंस फर्स्ट एंड देन यू आर ग्रांटेड द वीज़ा। राइट। अच्छा, जो लोग फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करते हैं आउट ऑफ प्रोविंस या आउट ऑफ कंट्री, तो क्या उन्हें बार बार इंश्योरेंस लेनी पड़ती है? Well, a lot of people have been doing that, but आजकल हमारे पास एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट आया है विद द कॉस्ट ऑफ विच इज ओनली $150 पर एनम। एनुअली यू कैन एनरोल फॉर $150 एंड यू कैन ट्रेवल एज मच एज यू वॉन्ट ड्यूरिंग द ईयर अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 30 days। लाइक you are going to US for 10 days, but you can go up to 30 days. You don't have to buy the insurance, you are already enrolled. Covered. But this is renewable every year. Right. If you wish to. If you don't wish to renew it, you can cancel it too. इसकी लिमिट कितनी होती है, कहाँ तक कवर करती है? Up to 5 million. Oh, very good. But this is available for the age group between 18 to 64. Okay. I still have time. राइट तो पहले जरा इतने विजिट नहीं होते थे, बच्चे छोटे थे, सब बड़ा वर्क काम करना पड़ता था, तो अब थोड़ा फ्री हैं। तो लास्ट ईयर भी मैंने मिडिल ईस्ट का ट्रिप किया 18 days का, और अभी फिर प्लान हो रहा है, तो इसके अंदर ये बड़ी अच्छी बात है। तो 30 days से अगर ज़्यादा कोई जा रहा है, मतलब 150 की उसने ले ली, लेकिन वो जा रहा है बीच में 30 days से ज्यादा के लिए, उसके लिए एक्स्ट्रा फिर then you have to buy additional insurance. Insurance. Because in this package, for a particular trip. In this package, it is up to 30 days. Right. For the age group of 18 to 64. Right. And multiple trips in a year. Right. So trips में पाबंदी नहीं। Trips is not. No. सिर्फ days में पाबंदी है कि should be less than 30 days. Okay. अच्छा, आप कोई 60 के लिए जा रहा है तो फिर उसको उस सिर्फ उस ट्रिप के लिए एडिशनल लेनी पड़ेगी, नॉट फॉर द होल ईयर, और कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं लेना पड़ेगा। या अदरवाइज इफ ही इज नॉट ट्रेवलिंग दैट फ्रीक्वेंटली एंड इज गोइंग फॉर 60 डेज टू इंडिया और पाकिस्तान, ही कैन बाय द रेगुलर इंश्योरेंस। राइट। देन ही नीड नॉट एनरोल इन $150। राइट। केस। राइट। बट इफ ही विशेस टू डू दैट, देन प्रॉब्लम 30 डेज फ्रॉम हियर एंड एनी अदर कैरियर कैन गिव हिम अनदर 30 डेज insurance, and we can help you in that too. Right. So ये हो गई बात travel insurance और super visa की, और frequent travels की भी बात हो गई। अच्छा, मैं RRSP is a different subject. No, RRSP is another investment. Like I told you about segregated funds, RRSP, TFSA, RESP. These are all investment proposals which a person can undertake. We can discuss this in our subsequent sessions next and time. Each and every right. part. तो जनरल हमने आज जो बात की वो ये है कि लाइफ इंश्योरेंस जिसके अंदर क्रिटिकल इलनेस है, और ट्रेवल इंश्योरेंस, सुपर वीजा, फ्रीक्वेंट ट्रेवल्स, ये जो है हमें रखनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप मुल्क से बाहर हैं या प्रोविंस से बाहर हैं, तो अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताइए कि जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हमें फायदा दे रिटायरमेंट पे, ये आरएसपी जो है उसमें से तो आप पैसे निकलवा सकते हैं जब आपको जरूरत पड़ती है। बट द डिफरेंस इज व्हेन आरएसपी जब आप पैसा निकलवाएंगे जी, तो उस टाइम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, जो आपकी टैक्स ब्रैकेट उस टाइम होगी। ठीक है, आरएसपी इज एन इन्वेस्टमेंट ऑन अ टैक्स शेल्टर्ड ग्रोथ बेसिस। राइट। But as far as ये कितने अरसे के लिए होती है RRSP? This you can get it done up to 70 years. Okay. Yeah.
So, but you keep on paying. Yeah, you keep on paying. You can open an account and you can. So, वो फिर 65 पे मिल जाती है. Yeah, 65 पे. If you want to take it out, you can take it out too. Right. तो हाँ, ज़्यादा हमारा जो मसला है ना, वो यही है कि जो self-employed हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं या रेगुलर हैं, उनकी तो डिडक्शंस हो रही है, दे गेट गुड बेनिफिट्स. लेकिन आम लोग जो हैं, उनकी जो शायद वो नहीं इस तरफ केयर करते या इतनी उसमें इन्वेस्ट इस तरफ तवज्जो नहीं करते, तो वो फिर एंड ऑफ द डे 65 पे उनको सिर्फ वो बेसिक्स ही मिल रही होती हैं, तो जो विच इज़ नॉट सफिशेंट ऑब्वियसली आज के दौर में. तो इसमें राशन भाई, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि दोज हु आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड, दे ऑलवेज हैव ग्रुप बेनिफिट्स. एंड कई बार हमने देखा है कि उनसे बात करके, most of the people tell us that I've got my life insurance also and the group benefits, I've got critical illness also, disability also in the group benefits. But जब हम उनकी booklet में जाके देखते हैं या उनको कहते हैं कि let us see what all things are covered, तो as far as disability is concerned, हमने बड़ी बार नोटिस किया है कि that is covered only at the place of work. तो हमने देखा कि वो जो है 8 घंटे की जॉब वाली उनके पास होती है. एंड इवन फॉर द लाइफ इंश्योरेंस, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर गिविंग यू 1 year सैलरी इंश्योरेंस. सो दैट मीन्स इफ यू आर ड्राइंग अबाउट 60,000 अ ईयर, सो यू आर इंश्योर्ड फॉर 60,000 एज फार एज योर लाइफ इज कंसर्न्ड. सो यू हैव टू असेस वेदर यू रिक्वायर मोर देन दैट, बिकॉज इन लाइफ I think if you have a mortgage of about $500,000 these days, which is very common, so you need at least $500,000 of coverage for your life insurance. मेरे ख्याल में $1 million से कम तो आप कुछ भी नहीं मिल रहा. कुछ भी नहीं मिल रहा. So from that angle, I think we have to see, because not many people think that they have everything in their group medical benefits, but we have to study that and see that what is covered and what is not covered. तो राय साहब, आज के लिए मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है. हम अगले प्रोग्राम में ये आपसे सवाल करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो कम से कम हमें ज़रूर ले लेनी चाहिए. ऑब्वियसली सारा कुछ ले लेना थोड़ा सा शायद मुश्किल हो, उनके प्रीमियम्स देने या, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में, हमें रिटायरमेंट को भी मद्देनज़र रखना है. और खुद मैंने भी गलतियां की हैं, आज वो महसूस होता है जब मैं उस स्टेज पर पहुंचा हूं. आई थिंक आपने भी, बहुत लोगों ने, सबने ये मिस्टेक्स की हैं. तो इस वजह से जब हम आए थे 23 इयर्स बैक, अगर उस वक्त ले ली होती तो बड़े नॉमिनल चीज रेट से मिल गई होती, एब्सोल्युटली राइट. और इस वक्त वो बड़ा ही हमें इत्मीनान होता, लेकिन कुछ गलतियां हुई. लेकिन इंशाल्लाह हम ये चाहेंगे कि जो नए आने वाले हैं या जो इस वक्त इस आपने जिस तरह ब्रैकेट बताई है 25-40 इयर्स की, जो लोग उसमें हैं, इस तरफ तवज्जो करें और इस वक्त ये चीज़ें ले लें, ये आगे चल के आपको काम आएंगी. क्योंकि एक चीज़ मैं जरूर इसमें ऐड कर दूं कि आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज ये इंश्योरेंस ज़्यादा स्पीड से बढ़ती है, प्रीमियम जो है. अप टू 50 इयर्स आई थिंक इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड आई थिंक एवरीबडी कैन अफोर्ड इट. राइट. तो नाजी, हमारे कम्युनिटी राउंड अप में आज हमारे मेहमान थे राजेंद्र गाड़ी साहब. बहुत इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें वैल्यूबल दी और इसमें हम मजीद उनसे नेक्स्ट वीक में बात करेंगे. और जैसे कि वो बता रहे हैं कि 50 इयर्स तक बड़े अच्छे नॉमिनल रेट्स पर आपको चीज़ें मिल जाती हैं, उसके बाद फिर ऑब्वियसली रेट्स बढ़ने लगते हैं, रिस्क फैक्टर भी आ जाता है, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, सो मैनी थिंग्स, हेपेटाइटिस सी, कुछ ना कुछ इंसान को होता रहता है, तो फिर मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें. तो जो लोग इसमें हैं, इस एज ग्रुप में, उन्हें इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए. राजेंद्र साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग. नेक्स्ट वीक हम आपसे मज़ीद बात इंफॉर्मेशन लेंगे और अपडेट करेंगे अपने नाज़रीन को. सो नाज़रीन, आज इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम फिर हाजिर होंगे. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.